हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है, डिफाइन द वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है पहले डिफाइन कर लेते हैं। वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। यानी कोई एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है वही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, वो कितने बंध बना सकता है, कितने से कंबाइन कर सकता है। क्लियर है? तो अब वैलेंसी हम डिटरमाइन कैसे करते हैं? तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड, इज डिटरमाइंड बाई बाई द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एलिमेंट। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अब बात को समझो, जैसे ये सिलिकॉन एटम है। ठीक है, ये सिलिकॉन एटम, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? के सेल में दो हैं। ठीक है, सिलिकॉन में टोटल 14 होते हैं, तो के सेल में दो हैं, फिर एल सेल में 8 हैं और 4 हैं बाद में। ठीक है, एम में है 4, 1, 2, 3 और 4। अब कोई भी जो एटम होता है वो अपने लास्ट सेल में 8 पूरे करने की कोशिश करता है, यानी ऑक्टेट अपना पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ऑक्टेट बोलते हैं 8 पूरा करना, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। अब इसके पास 4 हैं, तो कितने और चाहिए? लास्ट लास्ट में 4, 8 पूरे करने में 4 और चाहिए। तो यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, और ये चारों इलेक्ट्रॉन कहीं और बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड बना करके अपने 4 जो है कंप्लीट करेंगे। तो यानी इसमें 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, तो यही इसके क्या है? वैलेंसी है। बस समझे? तो अब मैं इसकी वैलेंसी सिलिकॉन को समझाता हूँ। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर वैलेंसी ऑक्सीजन समझेंगे। तो वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन, तो वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन का मतलब कैसे डिफाइन करी हमने वैलेंसी सिलिकॉन का, कि इसकी जो कॉन्फिगेशन है, हमने क्या देखा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ सिलिकॉन वो है 2, 8 और 4। ठीक है, 2, 8, 4 है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा दूसरे के साथ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज 4 because it shared with other, shared with other atoms to complete octet। एक सेकंड, हाँ इसको ठीक करते हैं। ये क्या आ गया? हाँ, because it share it shares 4 electron with other atom to complete octet। ठीक है, तो octet complete करने के लिए इसको जो है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ते हैं, तो 4 ही क्या होगी इसकी वैलेंसी होगी। अब इसी तरह से आप देखें वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की वैलेंसी देखो, के सेल में कितने हैं? 2, और लास्ट सेल में एल सेल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी ये 2 और 6, तो लास्ट में 6 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 चाहिए, तो 2 ही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो हम आसानी से लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन वो भी 2 और 6, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 because it will gain
इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स, ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, टू कंप्लीट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। तो आठ पूरा करने के लिए इसको दो इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, तो इसलिए जो है ये छह नहीं छोड़ सकता। देखो कोई भी चार से ज्यादा ले नहीं सकता, चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं सकता, चार पे होती है शेयरिंग। अगर चार से कम होते तीन होते बाहर वाले में, बाहर वाले में तीन होते तो तीन इलेक्ट्रॉन वो त्याग देता और उसके बाद उसका अंदर वाला सेल कंप्लीट हो जाता। अब यहाँ छह हैं तो छह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, दो कहीं से लेगा, ये बात समझो, है ना। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, जब भी हमें छह होंगे, सात होंगे, ठीक है, पांच होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, और अगर चार से कम होते, तीन होते, दो होते, एक होते बाहरी सेल में, तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता और उस केस में वो छोड़ करके कंप्लीट हो जाता, ठीक है। तो वहां लूज लिखते हैं हम, इट विल लूज, यहाँ क्या है, इट विल गेन, क्लियर है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको वैलेंसी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, इजी है। एक बार दोबारा से भी देख लोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और समझ में आ जाए तो कमेंट कर देना क्लियर हो गया सर, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।